चलो प्यारे बच्चे, इस वाले एक अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, अब ये यार एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, ये वाली चीज़। तो देखो, एनर्जी लेवल ये होते हैं हमारे एनर्जी लेवल, ऐसे थोड़ा पास पास हो जाते हैं, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू फोर, एंड डॉट डॉट एन इक्वल टू इन्फिनिटी से। अब अगर ये एक्साइटेशन पोटेंशियल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी लेवल हमें इंक्रीज करनी है, तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो एक्साइटेशन पोटेंशियल है। तो व्हाट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल, इसको डिफिनेशन लिख लो, एक्साइटेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी, बात बराबर है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हम एनर्जी लेवल राइज करना चाहते हैं। अब फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का क्या डिफिनेशन है प्यारे बच्चों? तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब है एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू टू में मुझे एनर्जी लेवल इंक्रीज करना है, एन इक्वल टू टू में इलेक्ट्रॉन को भेजना है। यहाँ पर एन इक्वल टू टू, दैट इज एन इक्वल टू टू, फर्स्ट से टू में इलेक्ट्रॉन को भेजना है, एन इक्वल टू वन से टू में भेजना है। तो जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो हमें निकालना है। लेकिन ध्यान रखना कि हाइड्रोजन नहीं है यार, हीलियम है। तो हीलियम है तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू। और एन वन की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट, और एन टू की वैल्यू आ जाएगी टू। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वह टू में चला जाए, हीलियम के केस में? हाइड्रोजन का रहता तो हमें तो याद है यार, हाइड्रोजन का रट लिए हम लोग। तो जनरल केस में जो एनर्जी है nth में -13.6 Z² N² और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट वाले की एनर्जी में कितनी आ जाएगी बोलो? -13.6 और Z² मतलब यह आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरे केस में जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 Z² मतलब 4, और एन इक्वल टू टू है तो ये 2² दैट इज 4, 4 ने 4 को खा गया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी का डिफरेंस आया वो ही एनर्जी हमारी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। तो यह आ जाएगा 13.6, इसमें से कॉमन ले लो, और 1 माइनस 1 बाई 13.6 1/4, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 ने 4 को खा गया, ठीक है? तो यह आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, तो यह आ जाएगा 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द लिथियम हीलियम आयन, ठीक है? अब चलो दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन, ठीक है? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है? ये भी एक, इस भी इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल वह एनर्जी जिससे हम इलेक्ट्रॉन को टोटली न्यूक्लियस से फ्री कर दें, ठीक है? और ये हमारा प्यारा सा अच्छा सा न्यूक्लियस है, किसका भैया? हर किसी का अलग अलग होता है। तो ये लिथियम प्लस प्लस का है, लिथियम आयन का है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहीं मौज करने चले गए हैं। तो ये है लिथियम के प्लस प्लस। अब यहाँ एन इजिक्वल टू वन है, एन इजिक्वल टू टू है और एन इजिक्वल टू थ्री है, ठीक है? चलो, तो ये कहता है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, समझने वाली बात है, फाइंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम आयन। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, एक इकलौता अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो वो रहेगा कहाँ? जब कुछ बताया नहीं गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर करूँगा कि वो ग्राउंड स्टेट में था। तो ग्राउंड स्टेट से मुझे उसको मूव कराना है इन्फिनिटी को, ग्राउंड स्टेट से मुझे उसको मूव कराना है इन्फिनिटी को, और जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वही उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है। तो इस चीज़ को लिख लो,
आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे भेजने के लिए जितनी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है वही हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए भाई? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए है, जब बताया नहीं गया तो मैं मान लेता हूँ एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन है और ये ग्राउंड स्टेट में जमा पड़ा है, स्टेबल है, और इसको मुझे भेज देना है इन्फिनिटी को, ठीक है। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट में वो होती है -13.6 एन स्क्वायर, और यह आ जाएगा जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह जाएगा -13.6 एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और लिथियम है तो 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यह जाएगा 3 का स्क्वायर वोल्ट मतलब 9, तो यह जाएगा -13.6 और ये 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी एन इज इक्वल टू 1 की आ जाएगी। किसके केस में? लिथियम के केस में, लिथियम प्लस प्लस के केस में, ठीक है। अब उसको अगर मुझे इन्फिनिटी पे भेजना है तो जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस वो E2 - E1, फाइनल एनर्जी 2 - ही है, तो फाइनल एनर्जी 0 है और इनिशियल एनर्जी कितनी है? -1.22.4, मतलब आ जाएगा +122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका फाइनल आंसर है। इतनी एनर्जी आप अगर दे दोगे इस इलेक्ट्रॉन को जो कि ग्राउंड स्टेट में था लिथियम के, वो इन्फिनिटी को चला जाएगा, मतलब वो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई उसकी।